हमारे साकेत धाम परिसर में विद्यमान सत्संग प्रेमी सज्जनों, और आप लोग सुन ही रहे हैं कि इसमें कितने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। हनुमंत लाल जी को प्रत्येक अवस्था में भगवान श्री राम की कृपा का अनुभव होता रहता है। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, इसलिए हमारा जीवन अगर ऐसा बन जाए कि हम ईश्वर ने जो हमको शक्ति दी है उसका उपयोग अच्छी नियत से अच्छे कार्यों के लिए करें, और जहां रुकावट आवे वहां पर तनाव को स्थान ना दे करके प्रार्थना को स्थान दे। मैं प्रायः कहता हूँ, गीता वाटिका गोरखपुर में बड़े अच्छे संत से पूज्य राधा बाबा जी महाराज, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। वो कहते थे, जिस समस्या का एक भी समाधान हमको दिखाई नहीं देता उसी समस्या के कम से कम 100 समाधान भगवान के पास विद्यमान होते हैं। किस व्यक्ति के माध्यम से वो क्या काम करा देंगे, यही भगवान की सामर्थ्य है। और कहना नहीं चाहिए, मैं स्वयं अपने जीवन में कई बार इस बात का अनुभव करता हूं, तो किस व्यक्ति से क्या करवा सकते हैं कभी कभी आश्चर्य होता है। और इसी बात का अनुभव आज हनुमंत लाल जी स्वयं इस प्रसंग में करेंगे जो आज प्रसंग हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कि भगवान किस व्यक्ति से क्या करवा सकते हैं ये भगवान की सामर्थ्य है। इसलिए अपनी नियत अच्छी हो, भगवान की भक्ति हो, तो व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रह सकता है। हनुमंत लाल जी बंधे हुए हैं ब्रह्म पाश में, जहां तक हम लोग कल चर्चा किए थे। मेघनाद उनको बांध करके ले गया है रावण के दरबार में। रावण के साथ उनका वाद विवाद भी थोड़ा हुआ, लेकिन संत हैं हनुमान जी महाराज, भगवान शिव के अवतार ही हैं, वो सबका भला चाहते, सबकी भलाई चाहते। हनुमंत लाल जी ने रावण को भी, आप कल्पना करें, जो व्यक्ति हनुमंत लाल जी को इतना अपमानित किया है,
जो व्यक्ति हनुमंत लाल जी को बांध करके दरबार में खड़ा किया हुआ है, हनुमंत लाल जी उसको भी कहते हैं अरे रावण, तो अगर भगवान श्री राम की शरण में चला जाए और अपनी गलती मान ले, तो भगवान श्री राम इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि तेरे को माफ कर ही देंगे। उनका स्वभाव ही माफ करना है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान का विग्रह ही कृपा का बना हुआ है, और कृपा ना करें तो हम और आप तो एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो कृपा ही करते। इतनी कृपा संसार में कोई नहीं कर सकता, माता पिता नहीं कर सकते, आपके फ्रेंड सर्कल नहीं कर सकते, जितनी कृपा ठाकुर जी करते। रावण को बहुत समझाया और हनुमंत लाल जी ने कहा कि तुम थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि तुम किसके परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ। ऋषि पुलस्त तुम्हारे दादाजी हैं, विश्रवा तुम्हारे पिताजी हैं, दोनों ऋषि हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है, बड़े भारी विद्वान है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा लिखी है रामायण में, लिखी है ठीक है, लेकिन जिनमें ब्राह्मणत्व है उनकी प्रशंसा लिखी है। रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण तो शायद कोई होगा, लेकिन रावण की प्रशंसा तो रामायण में नहीं लिखी है। तो जो लोग तुलसीदास जी पे आरोप लगाते हैं कि तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों का पक्षपात किया है, दूसरों का थोड़ा अनदेखा किया है, ऐसा नहीं है। जितने ऋषि महापुरुष हुए हैं वो हमेशा निष्पक्ष होते हैं। जैसे भगवान निष्पक्ष होते हैं ऐसे ऋषि महात्मा भी निष्पक्ष होते हैं। रावण का तो कहीं कोई पक्षपात किया नहीं, वो भी तो ब्राह्मण था। तुलसीदास जी ने तो कहीं नहीं कहा कि कुछ भी हो भाई ब्राह्मण था तो पैर छूना चाहिए, कहाँ लिखा, कहीं नहीं लिखा। वो किसी प्रसंग में कोई बात लिख दी गई हो। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि एक चौपाई को पकड़ के झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो चौपाई किस प्रसंग में लिखी है और किस पात्र के द्वारा कही गई है, वो चौपाई अगर राम जी के द्वारा कही गई है तो प्रामाणिक है, भरत जी के द्वारा कही गई तो प्रामाणिक है, हनुमंत लाल जी के द्वारा कही गई तो प्रामाणिक है, लेकिन जो बात रामायण में रावण के द्वारा कही गई, मेघनाथ के द्वारा कही गई, कुंभकर्ण के द्वारा कही गई, अरे भाई शूर्पणखा के द्वारा कही गई, वो बात को तो हम प्रामाणिक नहीं मानते ना, लिखी तो वो भी रामायण में। किस पात्र ने कही है, किस प्रसंग में कही है, किस बात का अगर ध्यान करके हम लोग विचार करेंगे तो हमको उस बात का सच्चा रहस्य पता लग जाएगा। प्रायः लोग झगड़ जाते हैं, ढोल गंवार सूत्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यही सुंदरकांड में आगे आएगा। इस बात को लेकर बहुत लोग झगड़ते हैं। अरे भाई वो किसने कही है, राम जी ने नहीं कही, हनुमान जी ने नहीं कही, भरत जी ने नहीं कही, वो समुद्र ने कही है। और अपनी गलती की गिल्टी मानता हुआ, अपनी गलती को मानता हुआ कहते मैं तो मूर्ख हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, और अपने साथ चार नाम उसने और लपेट लिया। अरे भाई तुम अपने को कहो तुम मूर्ख हो, तुम चार को और क्यों लपेट लिया। तो जब चार को लपेट लिया समुद्र ने, तो समुद्र की बात वहां पर प्रामाणिक नहीं मानी गई। अगर तुलसीदास जी महाराज महिलाओं के खिलाफ होते, महिलाओं के खिलाफ लिखते, तो तुलसीदास जी महाराज राम जी को शबरी की कुटिया में नहीं पहुंचाते। राम जी शबरी की कुटिया में जाते, शबरी क्या ब्राह्मणी थी क्या? शबरी ब्राह्मणी नहीं थी, शबरी भीलनी थी, वनवासी जाती थी। उसी की कुटिया में भगवान स्वयं जाते हैं और जा करके शबरी के जूठे बेर खाते हैं, ये भी तो रामचरितमानस में लिखा है। तो हमारी माताओं को ध्यान देना चाहिए कि रामचरितमानस में किसी का पक्षपात नहीं है, अच्छाई की प्रशंसा है और बुराई की निंदा है। एक बात और इसमें आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। सुलोचना किसकी पत्नी का नाम था, वही सब लोग जानते ही होंगे, सुलोचना। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना है, मेघनाद जो राक्षस रावण का बेटा। और आज हमारे परिवारों में, आपके घरों में भी सुलोचना नाम की देवियां मिलती हैं। महिलाओं के नाम सुलोचना होता है। और कैकेयी किसकी पत्नी है, कैकेयी किसकी पत्नी भाई?
दशरथ जी की, लेकिन कैकेयी नाम तो किसी महिला का कैकेयी के बाद नहीं रखा गया। तो अगर तुलसीदास जी पक्षपात करते तो मेघनाथ की पत्नी के इतनी प्रशंसा नहीं करते। सती कहा सुलोचना को, सती सुलोचना कहा जाता है, और कैकेयी के खिलाफ इतना तुलसीदास जी नहीं लिखते, क्योंकि वो तो महाराज दशरथ की पत्नी है, भगवान श्री राम की एक तरह से माँ ही है। तो इसलिए समझ के पढ़ना चाहिए क्या चौपाई किस प्रसंग में किसके द्वारा कही गई है, किस लिए कही गई है। इसलिए ग्रंथों को गुरुमुख से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। मनमानी ढंग से जो पढ़ लेते हैं वो कुछ भी अर्थ निकालते हैं महाराज। तो पहुंचे चले अपने प्रसंग में, हनुमंत लाल जी कहते हैं रावण से, रावण माफी मांग लो, भगवान श्री राम तुमको माफ कर देंगे। ऋषि पुलस्त्य के परिवार में उत्पन्न होकर के तुम वंश को कलंकित करने जा रहे हो और लंका का सर्वनाश करने जा रहे हो। माफी मांग लोगे तो लंका के एक छत्र राजा बने रहोगे, जब तक तुम चाहोगे तब तक बने रहोगे। त्रिलोकी में तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता है राम जी को छोड़ के। रावण ऐसे देख रहा है, रावण को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अपने अभिमान में बैठा है ईगो में, और देख करके व्यंग व्यंग्यात्मक मुस्करा रहा हनुमान जी को देख करके, वाह बंधन में बंधे हुए और हमको वहां से उपदेश दे रहे। रावण इतना विद्वान, उसको एक बंदर उपदेश दे रहा, और आगे वो कह ही बैठा। जब हनुमान जी बहुत समझाए तो कहता है मिला हम ही कभी गुरु बड़ ज्ञानी। रावण कहता है इतना बड़ा ज्ञानी गुरु हमको अभी तक कोई मिला ही नहीं जितना ज्ञानी ये बंदर है। महाराज व्यंग कर रहा है, हनुमान जी का उपहास कर रहा है। और उसके बाद जब उसको अपने पुत्र की मौत का स्मरण आया कि इसी बंदर ने अक्षय कुमार को मारा है, रोष आ गया, डांट करके रावण कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही लागिश अधम सिखावन मोही। हे बंदर तो आधा काम तो तेरा हो गया, ब्रह्मपाश में बंधा हुआ, कभी भी तुमको मारा जा सकता है, उसके बाद भी तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे को उपदेश दे रहे हो। कभी कभी दुस्साहस लोगों का देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे गुरु जी अहमदाबाद में गए थे, किसी कॉलेज में प्रवचन था उनका, वहां के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे, संस्कृत विभाग के, उनको उद्घाटन के लिए गुरुजी के स्वागत के लिए कहा गया, और संस्कृत में गुरुजी का उन्होंने स्वागत किया 5-10 मिनट जो भी बोले, और 5-10 मिनट में 15-20 शब्द अशुद्ध बोले। तो गुरुजी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो गुरुजी का तो बड़ा स्थिर स्वभाव था, किसी को डांटते दपटते नहीं थे जल्दी। गुरुजी ने कहा कि हमको ये संस्कृत के पंडित जी का दुस्साहस देख करके बड़ी हैरानी हो रही है। दुस्साहस माने भरे मंच में संस्कृत में बोल रहे हैं और अशुद्ध संस्कृत बोले जा रहे हैं, और इनको कोई चिंता ही नहीं कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं। इसी प्रकार से रावण कहता है तुम्हारा दुस्साहस देख करके मेरे को आश्चर्य, मेरी सभा में मेरे बेटे ने तुमको बांध करके यहाँ खड़ा किया है, और मेरी सभा में मेरे को उपदेश दे रहे हो। तुम्हारे जैसा ज्ञानी गुरु तो आज तक मेरे को मिला नहीं, तेरी मौत लगता है तेरे पास खड़ी है, इसीलिए तो ये सब उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। हनुमंत लाल जी समझ गए इसको समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है सुधार का प्रयास करो 3 बार 5 बार, उसके बाद कोई नहीं माने तो समझ लेना ये सुधरने वाला नहीं है, ये दंड का अधिकारी है। अगला कदम होता है संघार, दंडात्मक कार्यवाही। आप देख रहे हैं हमारे देश के दोनों तरफ जो लोग हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, कितनी बार शांति प्रस्ताव किया गया, कितना प्रयास किया गया कि नहीं मानते। तो जो दुष्ट होते हैं वो प्रेम की भाषा नहीं समझते, वो दंड की भाषा समझते हैं, और जो सज्जन होते हैं वो दंड की भाषा नहीं समझते, वो प्रेम की भाषा समझते हैं। महाराज जो कहता है रावण, लेकिन रावण ने यही गलती किया, हनुमंत लाल जी महाराज सज्जन है उसको समझ नहीं आया, वो जानता है दंड की भाषा नहीं समझेंगे। रावण कहता है तेरी मौत तेरे नजदीक खड़ी है बंदर, तभी तो इतनी उल्टी सीधी बात करता है। हनुमंत लाल जी मुस्कराए, रावण आप ठीक कहते हैं, मौत खड़ी है मेरे को भी दिख रही है,
रावण सोचता बड़ा तो बिल्कुल डरता ही नहीं है, ऐसा बंदर है। बोले यहाँ मौत खड़ी है, मेरे को भी दिख रही है, लेकिन वो आई किसके लिए है ये अभी पता नहीं लगा है। वो तो खड़ी तो है लेकिन किसको लेने आई है ये तो समझ नहीं आ रहा है। हनुमंत लाल जी ने कह दिया कि कहीं उल्टा ना हो जाए, तुम कहते हो मेरे को लेने आई, मेरे को लगता है तुमको लेने आई। उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में आ जाना। जहां हनुमान जी ने कहा कि तुमको लेने शायद मौत आई है, अब तो चिढ़ गया और चिढ़ करके आदेश दे दिया सारे निशाचरों को। गोस्वामी जी महाराज लिखते, सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न रहो मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। यह है भगवान की लीला, भगवान की कृपा। विभीषण ना पहले आए ना पीछे आए, ठीक समय पे जब आदेश हो रहा है कि इसको मार डालो, रावण का आदेश हो गया कि मार डालो, ये दंड बंदर है, ये मृत्यु दंड इसको मिलना ही चाहिए, उसी समय ठीक विभीषण जी को किसने भेज दिया। यह है राम जी की लीला, यह है राम जी की कृपा। ठीक समय पर विभीषण जी आ गए और उन्होंने कहा ये राजनीति के खिलाफ है, जो संदेश वाहक है उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं होता है, उसको आप घर से निकाल दीजिए और कोई दंड दे दीजिए, देश से निकाल दीजिए, मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है राजदूत को। रावण भी नीतिज्ञ तो था ही, विद्वान तो था ही, समझ गया सारी सभा ने कहा विभीषण जी ठीक कह रहे हैं, और कोई दंड दीजिए। तो रावण ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं दूसरा दंड का विधान करता हूं। क्या? बोले बंदर को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पूंछ से होता है, तो इसके पूंछ को जला दो और जला करके इसको छोड़ दो, जीवन भर याद रखेगा कि मैंने रावण का विरोध किया था तो मेरी पूंछ को जला दिया गया, जीवन भर याद करेगा। कपि कहे ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। हाँ बोले महाराज कपड़ा बांधो, उसमें तेल घी डालो और आग लगा दो, इसकी सारी पूंछ जल जाएगी, तब इसको पता लगेगा मैंने किसका विरोध किया है। जहां ये रावण ने आदेश दिया, हनुमंत लाल जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, धन्य हो प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपने त्रिजटा को स्वप्न कैसे दिया था कि सपने बानर लंका जारी, आपने कहा था कि बंदर आया है और लंका को जलाएगा, मैं सोच रहा था मैं लंका को कैसे जलाऊंगा, आग कहां से लाऊंगा, घी कहां से लाऊंगा, तेल कहां से लाऊंगा, कपड़ा कहां से लाऊंगा, मेरे को क्या पता कि आप ये व्यवस्था रावण से करवाने वाले, रावण सारी व्यवस्था करेगा। धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे को निमित्त बनाया है, करने कराने वाले तो आप हैं। अरे जिसको जलना है वही घी की व्यवस्था कर रहा है, वही तेल की व्यवस्था कर रहा है, वही कपड़े की व्यवस्था कर रहा है और वही आग लगाएगा, जिसके नगर में आग लगना है वही आग लगाएगा, प्रारंभ वही करेगा। ये है राम जी की लीला, ये है राम जी का। सभी भक्त निश्चिंत रहते और इस स्तर पे पहुंच करके ही कहा जाता है राम जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो स्तर होता है, लेकिन उस स्तर पर पहुंचना चाहिए। कई लोग महाराज जब अपनी गलती करते हैं तो कह देते राम जी की यही इच्छा थी, और सामने वाला गलती करता है तो उससे झगड़ जाते, अरे भाई तो वहां भी तो राम जी की वही इच्छा थी, अगर तुम्हारी गलती में राम जी की इच्छा थी तो सामने वाले की गलती में भी राम जी की इच्छा थी, दोनों में राम जी की इच्छा दिखे तो आपकी भक्ति ठीक है, और अपनी गलती में राम जी की इच्छा, सामने वाले की गलती में व्यक्ति की इच्छा, तो आपकी भक्ति अभी ठीक नहीं है, चालाकी वाली है। महाराज हनुमंत लाल जी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे, धन्य हो प्रभु, रावण सारी व्यवस्था करेगा, भाई सहाय सारद मैं जाना, मैं समझ गया आपने सरस्वती को भेजा है, रावण के जिहवा पे बैठा दिया है और वही सारी व्यवस्था कर रहे। अब तो महाराज जितने निशाचर थे
बड़े प्रसन्न हैं, जो पिटे थे कुछ घायल हो गए थे, कुछ मर गए थे जिनके परिवार वाले, वो महाराज ताली बजा बजा के हंस रहे, बंदर देख अब क्या होगा तेरा, हा? थोड़ी देर में तेरी पूंछ जलेगी। और केवल इतना ही नहीं, ताली नहीं बजा रहे, उनको कोई कोई चरण प्रहार कर रहे। आप कल्पना कर सकते हनुमंत लाल जी को महाराज हाँ चरण प्रहार कर रहे। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुन पूंछ प्रजारी, मारे चरण कर बहु हाथी, चरण प्रहार करके हंस रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी भी हंस रहे हैं, थोड़ी देर तुम हंस लो, बाद में हमारा नंबर आने वाला हंसने का, हंस लो थोड़ी देर। और यही है, जो भगवान के लिए जीता है, राम जी के लिए जीता है, उसको सम्मान मिले तो भी राम जी की कृपा, और अपमान मिले तो भी राम जी की कृपा। हमको अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, हमारा जीवन किसके लिए, राम जी के लिए है तो भी मान अपमान का दुख सुख नहीं होना चाहिए, देश के लिए है तो भी मान अपमान का दुख सुख नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं समाज सेवा के लिए अगर जीवन समर्पित है तो जरूरी नहीं कि सब लोग सम्मान ही करेंगे, कहीं सम्मान भी मिलेगा, कहीं अपमान भी मिलेगा। अगर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट के प्रति कष्ट सहने का नाम ही तपस्या होता है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए जो भी मिलता जाए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाओ, इसी का नाम तपस्या होता है। हनुमंत लाल जी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जहां आग लग गई, आग लगने के बाद हनुमंत लाल जी देखे अब निशाचर दूर खड़े हो गए, और हनुमंत लाल जी ने बीच में क्या किया था, पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्यों? जब राम जी इतना काम कर रहे हैं तो मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी तो कुछ सहयोग करूं। कितनी पूंछ बढ़ाई मालूम है आप लोगों को? इतनी पूंछ बढ़ाई कि लंका का सारा कपड़ा खत्म हो गया। बाढ़ी पूंछ की ढकप खेला, रहा न नगर बसन घृत, बोले नगर में ना घी बचा, ना तेल बचा, ना कपड़ा बचा। इतनी पूंछ बढ़ा दी हनुमान जी ने। वो जो रोटी राम बाबा कहते थे, अगले दिन भोजन के लिए भी घी तेल नहीं बचा था, सब खत्म हो गया। सारा घी तेल खत्म हो गया, कपड़ा हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ा दी। अब महाराज इतना सारा कपड़ा पड़ा लपेट के जैसे आग लगाई हनुमान जी ने, ब्रह्म पास था, उसकी मर्यादा रखनी थी। हनुमंत लाल जी ने महाराज छोटा सा रूप बनाया, ब्रह्म पास ढीला पड़ गया, उसको तोड़ा नहीं, निकल गए। निकल करके विशाल रूप धारण करके महाराज महल पर कूद के चढ़ गए, और एक महल से दूसरा महल, दूसरे से तीसरा महल। जहां आग जलनी प्रारंभ हुई, पवन देवता ने सहायता करना प्रारंभ कर दिया। क्या बहे पवन 49 तरह की वायु होती है, सारे के सारे वायु सब बढ़ने लगी, प्रवाहित होने लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारा नगर जलने लग गया। क्यों? पवन देवता क्यों सहायता किए? पवन पुत्र ही तो थे हनुमंत लाल जी। उनका पुत्र कोई विशेष कार्य कर रहा है तो पिता तो सहायता करेगा ही, स्वाभाविक है। और रावण से सब दुखी होकर के बैठे थे देवता, इसलिए भी सहायता कर रहे। सारा नगर जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ निशाचर जो पिटे थे, घायल हुए थे, वो कह रहे थे हमने पहले ही कहा था ये बंदर नहीं है, कोई और है। अब तो कहेंगे ही, पहले तो हंस रहे थे, अब जब पिट लग गए, जलने लग गए, हमने पहले ही मना किया था, हाँ ये बंदर नहीं है, कोई और है। सारा नगर जल रहा है, लेकिन एक आश्चर्य है, ये भी राम जी की लीला। क्या? केवल विभीषण के घर में आग लगी ही नहीं, सारा नगर जल रहा है। आप कल्पना कर सकते, इतनी तेज हवा चल रही है। हनुमंत लाल जी एक कंगूरे से दूसरा कंगूरा, एक घर से दूसरा घर, उलट पलट लंका कप जारी, सारी लंका में आग लगी हुई है महाराज, लेकिन विभीषण के घर में आग नहीं लगी। क्यों? आग को जिसने बनाया है उन्हीं के भक्त है विभीषण। आग भी तो भगवान श्री राम की इच्छा के बिना जला नहीं सकती है, वायु बहा नहीं सकती है, जल डुबा नहीं सकता है, अरे विष मार नहीं सकता है। मीराबाई ने सिद्ध कर दिया था, मीराबाई को विष मार नहीं सका प्रभु की इच्छा के बिना, प्रहलाद को जल डुबो नहीं सका। ये भगवान के जो सेवक हैं प्रकृति में, इसलिए भक्त कितना निश्चिंत होता है। एक भगवान का आश्रय लेकर के पूरे विश्व में निरंतर निश्चिंत होकर के विचरण करता है। अब महाराज सारी लंका जल गई, हनुमंत लाल जी महाराज कूद पड़े सागर में, पूंछ की आग को बुझाया, और पुनः छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के पास आके प्रणाम करते हैं।
जानकी जी ने कहा कि फल खा लिया, बोले यहाँ फल भी खाया और उन लोगों का काम भी कर दिया। जानकी जी को समाचार तो मिल ही गया था, जानकी जी बड़ी प्रसन्न है। अब महाराज हनुमंत लाल जी ने कहा, माँ मेरे को जाना होगा, प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं संदेश की, लेकिन मेरे को कैसे मैं बताऊंगा कि मैं आपसे मिलके आया हूँ, कोई प्रमाण तो चाहिए मेरे पास, जैसे राम जी ने दिया था ऐसे आप भी कुछ हमको वस्तु देंगी तो बहुत अच्छा होगा। जानकी जी ने चूड़ा मणि उतार करके हनुमंत लाल जी को दे दिया। हनुमंत लाल जी से कहा, जानकी जी एक बात कह देना, प्रभु श्री राम से एक महीने का समय रावण ने दिया है, एक महीने के अंदर अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो उसने कहा है मैं तलवार से इनका समाप्त कर दूंगा जीवन, एक महीने के अंदर ही प्रभु यहाँ कर कृपा करके पधारे और मेरे को स्वीकार करें। जानकी जी महाराज उनके आंखों से अश्रुपात होता है, क्योंकि हनुमंत लाल जी भी अब जाने को कह रहे हैं, प्रभु के प्रेमी है, जानकी जी के पुत्र है। उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया भगवती को और कूद करके महाराज लंका से निकल पड़े। जैसे एक छलांग में समुद्र को पार किया था ऐसे एक छलांग में उस पार आ गए। हनुमंत लाल जी क्या थे, जितने बंदर थे उछल कूद मचाने लग गए। हनुमान जी आ गए लंका से, सारा समाचार लेकर के आ गए, खूब बंदरों ने उछल कूद मचाया, हनुमान जी को प्रणाम किया और वहां से जब चल पड़े अंगद जी, जामवान जी, हनुमंत लाल जी, जो मधुबन था उसके फलों को खूब खाया। अंगद जी ने खाओ अब तो काम हो गया, उत्सव मनाओ, वहां भी पेड़ों को तोड़ा क्योंकि बंदर का स्वभाव। रखवाले लोग जब मना करने लग गए तो उनको भी एक एक दो दो मुका मारा। तो भागे भागे सुग्रीव के पास गए, आपके युवराज के कहने से अब बंदरों ने सारा बगीचा उजाड़ दिया, हम लोग मना किए तो हमको मार रहे हैं। सुग्रीव मुस्कराने लग गए, अगर जानकी जी का समाचार नहीं मिला होता तो कोई भी बंदर फल खाने की इच्छा नहीं करता। इसका अर्थ है कि बहुत प्रसन्न है बंदर। जब बंदर बहुत प्रसन्न होते हैं तो ज्यादा उछल कूद करते हैं। वृंदावन में हम लोग देखते हैं कोई काम नहीं तो पंखा खंभा पकड़ के हिलाते हैं। हाँ एक बार तो हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी को पकड़ के हिलाने लगे, वो सोचे यही खंभा, तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा जो भी था। बड़े उपद्रवी होते हैं, जब आनंद में होते हैं तो ज्यादा ही उपद्रव करते हो, शांत बैठ ही नहीं सकते एक जगह। सब लोग महाराज धीरे धीरे पहुंच जाते हैं सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी को जामवान जी ने बताया, हनुमंत लाल जी ने सारा काम किया है, जानकी जी को समाचार दे दिया है, जानकी जी का समाचार मिल गया है। अब महाराज सारे बंदर सुग्रीव जी के साथ मिलकर के, जामवान जी के साथ मिलकर के प्रभु के पास जाते हैं। जामवान जी ने हनुमंत लाल जी की गाथा का वर्णन किया, क्योंकि हनुमंत लाल जी ने सारा कार्य किया है। अब आजकल का कोई व्यक्ति होता काम करता तो दूसरे को मौका ही नहीं देता बताने का, वो स्वयं ही अपना चालू हो जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर उसकी नहीं कोई सुनता तो दो चार लोगों को साथ में रखता, अरे तुम बताओ हमने क्या क्या किया है। आजकल का तो ये जमाना है, पहले जो लोग करते थे वो बताते नहीं थे, बोलते नहीं थे, कोई दूसरा बोले तो ठीक है, स्वयं तो कभी नहीं बोलते थे करके। और यही सज्जन पुरुष का लक्षण, आप अच्छा काम करो, जहां तक हो सके अपने मुख से कम प्रचार मत करो कि मैंने ये किया, वो अपने आप ही ठाकुर जी चाहेंगे प्रचार हो जाएगा, समाज को पता लग जाएगा। ठीक है, हनुमंत लाल जी के विषय में महाराज बताया जामवान जी ने। हनुमंत लाल जी से भगवान श्री राम ने एक प्रश्न पूछ दिया, भगवान श्री राम तो भगवान है। हनुमंत लाल जी से कहा, हनुमंत लाल जी जानकी जी वहां अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, चौपाई है। कहो तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमंत लाल जी मेरे वियोग में जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, क्योंकि मेरे वियोग में सच्चे प्रेमी को जीवित रहना अत्यधिक कठिन होता है। दशरथ जी का दृष्टांत है ही। इस प्रश्न का जवाब अत्यंत कठिन है, लेकिन हनुमंत लाल जी ने जो जवाब दिया, हनुमंत लाल जी ने वही जवाब दिया जो जवाब गोपियों के लिए था। गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में इतने वर्ष कैसे जीवित रही,
जब वो बेहोश हो जाती थी तो स्वप्न में उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था, संयोग की अनुभूति होती थी और जीवन में ताकत आ जाती थी, उसके बाद उनका अगला जीवन फिर चल पड़ता था। लेकिन यहाँ थोड़ा बदल करके हनुमंत लाल जी कहते, नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र जाहि प्राण कहीं बात। प्रभु प्राण अभी तक चले गए होते लेकिन आपने व्यवस्था कर रखी है, हाँ दरवाजा बंद है, ताला बंद है, जंजीर बंद है, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके वियोग में। जानकी जी तो जीवित रह ही नहीं सकते थे। नाम पाहरु दिवस निशि, कितना सुंदर महाराज यहाँ हनुमंत लाल जी ने वर्णन किया। बोले एक पहरेदार है जो 24 घंटा जानकी जी की सुरक्षा में खड़ा है। कौन सा पहरेदार है? नाम, आपका नाम। निरंतर जानकी जी जपती हैं राम राम राम। जब लंका में जानकी जी को रखा गया तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। रटत रहत माने कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता है, लेकिन निरंतर राम 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 ये निरंतर जपती रहती है। नींद गायब है, भूख गायब है, निरंतर 24 नाम पाहरु दिवस निश। आप कल्पना करें, अगर रात्रि दिन नाम जप चल रहा है माने जानकी जी सोती ही नहीं थी, नींद नहीं आती थी प्रभु के वियोग में। 24 घंटा तुम्हारा जो नाम है वो पहरेदार के जैसे खड़ा है, और केवल नाम नहीं है, नाम के साथ साथ आपका ध्यान चलता रहता है, इसी से उनके प्राण जीवित हैं। ध्यान में आपके संयोग की अनुभूति होती रहती है। नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, हाँ दरवाजे क्या है? बोले आपका ध्यान। जंजीर क्या है? बोले नेत्र हमेशा उनके अपने चरणों की तरफ रहते हैं, कभी नजर उठा के कभी कहीं देखती ही नहीं। क्या जीवन था जानकी जी का। हमारे प्रभु हमसे दूर हैं तो अब दुनिया को हमको नहीं देखना है, हमेशा उनका मस्तक नीचे रहता था, चरणों की तरफ उनकी दृष्टि रहती थी और प्रभु का नाम जपती रहती थी। ये एक विलक्षण सतीत्व का वर्णन किया गया है यहाँ पर, जानकी जी के विलक्षण व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। 24 घंटा नींद नहीं, 24 घंटा भूख नहीं, 24 घंटा किसी को देखना नहीं। क्या व्यक्तित्व था जानकी जी का। ऐसे महाराज आपने पहरा लगा रखा है, प्राण जाना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, रास्ता नहीं मिलता, नहीं तो निकल जाते। ये हनुमंत लाल जी ने अपने तरफ से कहा जो उन्होंने देखा। लेकिन हनुमंत लाल जी कहते हैं कि माता जी ने भी संदेश कहा है कि मेरे प्राण अभी तक निकल गए होते लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? जानकी जी ने बड़ी सुंदर महाराज एक प्रस्तुति दिया है यहाँ पर। निशुरत प्राण नकीन पयाला, नाथ नाथ सुनयन निको अपराधा, निशुरत प्राण करहि हठि बाधा, विरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा, नयन स्रवहि जल निजहि तलागि, जरय न पाव देह विरागी। इन शब्दों को अगर आप समझें, इतने विलक्षण प्रस्तुति है भगवती की। वो कहते हैं प्रभु आपके वियोग की अग्नि शरीर में लगी हुई है और मेरा शरीर कोई बहुत ऐसा कठोर नहीं है जो अग्नि से जलेगा नहीं, मेरा शरीर तो कपास के जैसा कोमल, रुई के जैसा कोमल है, विरह की अग्नि लगी हुई है। लेकिन फिर भी जब आग लगती है और गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा कौन सी है? बोले श्वासोच्छ्वास, श्वास से जो हवा निकलती है अत्यंत गर्म है आपके वियोग के कारण,
आग लगी हो, रुई के ढेर में लगी हो और गर्म हवा चल रही हो तो कितनी देर लगेगी भाई आग जलने में, समाप्त होने में? कोई देर नहीं लगेगी। बोले फिर क्या होता है? बोले दोनों नेत्रों से सावन भादों के जैसे अश्रुपात हो रहा है, निरंतर अश्रुपात हो रहा है। तो अगर निरंतर पानी डालते रहे तो रुई को भी आग जल्दी पकड़ती नहीं। बोले नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? बोले नेत्रों को अभी भी लालच है, एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन तो कर ले जाने के पहले, इसलिए अपने हित के लिए निरंतर वो वर्षा करते रहते हैं और ये मेरा शरीर विरहाग्नि में भस्म नहीं हो पा रहा। ये वर्णन करते करते हनुमंत लाल जी स्वयं विह्वल हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु इससे ज्यादा जानकी जी की आपत्ति का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। बिना ही कहे भल दीन दयाला, इतनी आपत्ति है जानकी जी के जीवन में, इतना कष्ट है, कैसे हो रह रही है, इससे ज्यादा मैं वर्णन कर नहीं सकता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमंत लाल जी अगर मेरा कोई स्मरण करे तो भी क्या विपत्ति बहुत होती है? हनुमंत लाल जी ने कहा, बस वही तो उनकी रक्षा कर रही है, आपका इशारा कर रहा है, आपका स्मरण नहीं होता तो जीवन कब का समाप्त हो जाता। ये सुनकर के प्रभु श्री राम के आंखों से भी महाराज झरझर अश्रुपात होने लग जाता है। हनुमंत लाल जी को बड़ी कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और ये प्रभु श्री राम का स्वभाव। प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन कपितो ही उऋण मैं नाही, कर देखो विचार मनमाही। हनुमंत लाल जी, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं दे सकता हूं, तुमने जो मेरे लिए कार्य किया है, हाँ इसका बदला मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। इतना निश्चल भाव से हनुमंत लाल जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो तो महाराज मार खा के अपमान सह के सारी विपत्तियों का सामना करके राम जी के संदेश वहां तक पहुंचाया, उनका संदेश यहाँ तक लाया। अब महाराज पुण्य पुण्य कपे चितो सुरत्राता, लोचन नील पुलक अति गाता। भगवान श्री राम बार बार हनुमंत लाल जी की तरफ देख रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर रोमांचित है। हनुमंत लाल जी की जब बार बार प्रशंसा करने लग गए प्रभु श्री राम, हनुमंत लाल जी को लगा कि मैंने ऐसा कुछ विशेष कार्य तो किया नहीं। भगवान श्री राम जो कह रहे हैं वो भी शिष्टाचार में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से पता लग जाता है, व्यक्ति शिष्टाचार में प्रशंसा कर रहा है या हृदय से प्रशंसा कर रहा है, पता कैसे लगा? बोले लोचन नीर, भगवान श्री राम के आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। हनुमंत लाल जी से वार्तालाप करते हुए माने प्रभु के हृदय में वास्तविक में हनुमंत लाल जी के प्रति इतनी कृतज्ञता प्रकट हो रही है, लेकिन हनुमंत लाल जी को लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, जो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, बिना कुछ किए प्रभु प्रशंसा करें तो मेरे को कहीं करने का अभिमान ना हो जाए। इसलिए हनुमंत लाल जी हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। चरण पड़ो प्रेमा कुल त्राही त्राही, हाँ भगवत चरणों में गिर पड़े, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। किससे रक्षा करें? कौन आया था भाई जिससे रक्षा करना था? हनुमंत लाल जी को लगता है इतने बड़े कार्य का अभिमान मेरे ऊपर सवार ना हो जाए। बड़े बड़े लोगों में अभिमान सवार हो जाता है, भक्तों के जीवन में भी आ जाता है। हनुमंत लाल जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। साष्टांग लेट गए। अब यहाँ पर एक विलक्षण दृश्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री राम शिष्टाचार में नहीं कह रहे, हृदय से कह रहे। हनुमंत लाल जी को लग रहा है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो प्रभु ऐसा कह रहे हैं, और चरणों में लेते हुए उठ नहीं रहे। बोले जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने नहीं किया, आपकी कृपा ने सब काम किया, मैं नहीं उठूंगा। प्रभु कहते नहीं तुमने किया है। हनुमंत लाल जी लेते हैं, प्रभु उठाने का प्रयास कर रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रभु की लीला, बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन से उठबना हवा। बार बार भगवान श्री राम उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हनुमंत लाल जी नहीं उठ रहे। क्या प्रभु श्री राम चाहे तो हनुमान जी को नहीं उठा सकते? उठा सकते, लेकिन यहाँ पर भी प्रभु ने दिखाया मैं जो चाहता हूँ वो शायद नहीं होता है, मेरा भक्त जो चाहता है वही हमेशा होता है और हमेशा भक्त की ही विजय होती है।
जहाँ भक्त और भगवान का विनोद में युद्ध होता है। विनोद का युद्ध है, भगवान उठाना चाहते हनुमान जी नहीं उठना चाहते और नहीं उठे, अंत तक नहीं उठे। जब नहीं उठे तो क्या हुआ, बोले प्रभु श्री राम ने झुक करके हनुमंत लाल जी जहां लेटे हुए थे, प्रभु कर पंकज कप के शीशा सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। भगवान श्री राम ने झुक करके हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, सहलाने लग गए दोनों हाथ से हनुमंत लाल जी का सिर। आप जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, जैसे ही ये कथा सुनाया उनको लगा भगवान श्री राम के दोनों हस्त कमल मेरे सिर पर है, मेरे सिर को ही सहला रहे हैं। भगवान शंकर का कथा कहना ही रुक गया, डूब गए भगवान के ध्यान में। बहुत देर तक रुके रहे, पार्वती जी समझ गए कोई दिव्य भाव आ गया, कोई दिव्य प्रभु का दर्शन इनको होने लग गया। बहुत देर तक कथा रुकी रही, वास्तविक कथा तो यही है। कथा केवल प्रवचन नहीं है, पूज रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कथा कहते कहते या कथा सुनते सुनते कथा की झांकी सामने चलने लग जाए तो समझ लो कथा कहना और कथा सुनना दोनों सफल हो गए। भगवान शंकर इतने डूब जाते, उनको लगता है मेरे सिर पर प्रभु श्री राम हाथ घुमा रहे हैं, वो महाराज कथा कहना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर कथा रुकी रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर भगवान शंकर सावधान होते हैं। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, बड़ी सुंदर कथा कहने लग गए। क्यों अति सुंदर, क्यों, कथा कहते कहते जब व्यक्ति इस भाव में डूब जाए, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, भगवान उठाना चाहते हैं भक्त नहीं उठना चाहते हैं, अंत में भक्त की ही विजय होती है, ऐसे जो प्रसंग है भक्त और भगवान के, ऐसी जो कथा है, वास्तव में कथा का सौंदर्य तो यही है। बाकी कथाएं तो ठीक है भाई, ये हुआ वो हुआ जो भी हुआ, जहां भक्त और भगवान का प्रसंग हुए, जहां चर्चा भगवान के प्रेम की हुए, भक्त का समर्पण की हुए, वो कथा जब कहते हैं तो कथा वाचक को भी आनंद आता है, श्रोता को भी आनंद आता है। भगवान शंकर कथा कहने लग गए, बोले बहुत देर जब लेते रहे भगवान श्री राम उनके सिर पे हाथ घुमाते रहे, भगवान श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है हनुमान जी, मैं मान गया कि आपने नहीं किया, लेकिन अच्छा बताओ ठीक है ये काम आपने नहीं किया तो लंका तो आपने जलाई ना। मान गया भाई, जानकी जी के यहाँ गए, समुद्र को पार किया, वहां जो भी हुआ जानकी जी की कृपा से हुआ, मेरी कृपा से हुआ, लेकिन लंका तो सब लोगों ने देखी आपने जलाया। हनुमंत लाल जी कहते हैं वो भी मैंने नहीं जलाई प्रभु। हनुमंत लाल जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, उसमें भी आपका ही प्रताप काम कर रहा था, मैंने नहीं जलाया। भगवान ने कहा कैसे नहीं जलाया, हनुमंत लाल जी ने कहा अच्छा आप बताइए, मैंने घी की व्यवस्था मैंने की, तेल की व्यवस्था मैंने की, आग की व्यवस्था मैंने की, आग की व्यवस्था आपने करवाई, तेल की व्यवस्था आपने करवाई, घी की व्यवस्था आपने करवाई, और मेरे को आनंद तो तब आया जब आप इस सारी व्यवस्था आपने रावण से करवाई, और कोई करता तो भी भाई विभीषण से करवा देते, त्रिजटा से करवा देते, तो बात अलग थी, रावण व्यवस्था किया, आपका काम वहां रावण कर रहा है। प्रभु आप अपना काम रावण से करवा सकते हैं तो मैं करने लग जाऊं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, रावण जैसा व्यक्ति आपके काम को करता है, आपका आदेश का पालन करता है, तो मैं करने लग जाऊं तो कौन सा आश्चर्य है। भगवान श्री राम ने कहा हनुमंत लाल जी आप हैं तो बहुत कुशल, बोलने में बहुत चतुर है, लेकिन आप बताओ मैंने कैसे जलाई लंका। ठीक है कपड़े की व्यवस्था उन्होंने की, मैंने करवाई या उन्होंने करी, बोले प्रभु वो तो पहले ही जल चुकी थी, जली हुई थी लंका। कैसे जली हुई थी, बोले जो किसी सती महिला का अपमान करता है उसका जीवन और परिवार उसी समय भस्म हो जाता है, जानकी जी का अपराध किया हुआ है, तो इसीलिए हमारे गुरु जी कहते थे या कोई दूसरे वक्ता से मैंने सुना, बोले हनुमान जी ने चार कारण बता दिए लंका जलाने के, उसमें अपना कहीं स्थान रखता ही नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका को जानकी जी के संताप ने जलाया, लंका को आपके प्रताप ने जलाया, लंका को
किसने जलाया? मेरे बाप ने जलाया। पवन बहे, पवन उनचास, हाँ पवन देवता ने भी तो किया था भरत। तो जानकी जी का संताप, आपका प्रताप, रावण का पाप और मेरे बाप, चार लोगों ने मिलकर के लंका को जलाया। मैं तो उसमें कहीं आता ही नहीं, चार चार लोग मेरी सहायता कर रहे। जानकी जी का संताप था, आपका प्रताप था, मेरे पिता पवन देव बहे पवन उनचास वो भी मेरे साथ मेरा सहयोग कर रहे थे। मैं वहां कहां था? भगवान श्री राम इतने गंभीर मुद्रा में थे, उनको भी मुस्कान आ गई। क्या हनुमान जी की युक्ति है, बोलने में क्या कुशलता है, ये बोलने की कुशलता। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण्य, भक्तों में अग्रगण्य और कर्म करने में अग्रगण्य। जो काम दे दिया जाए वो दूसरे पे नहीं टालते थे और पूरा करने के पहले कुछ नहीं करते थे। सुरक्षा ने कहा मैं तो अभी खाऊंगी, बोले अभी छोड़ दे, मैं समाचार जानकी जी को दे दूं, जानकी जी का समाचार राम जी को दे दूं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बोले मैं तो अभी खाऊंगी, तो फिर देख ले खा के कैसे खाती है। प्रेम से समझाए, ये हनुमंत लाल जी का सूत्र है। और हनुमंत लाल जी के सूत्र से हमको क्या सीखना है? दो बातें। साधकों को अवश्य सीखना चाहिए, सेवा करते समय जो चाहेगा हमको सम्मान ही मिले, वो सेवक कभी सेवा में सफल नहीं हो सकता है। सेवा करते समय भी सम्मान और अपमान दोनों मिलेगा। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको खराब कहेंगे, कुछ लोग आपकी सेवा में सहयोग करेंगे, कुछ लोग आपकी सेवा में बाधा भी डालेंगे। अगर दोनों को फेस करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे तो ही आप अच्छे सेवक बन सकते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं, हमको ऐसे बोलता है तुम सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर जिसको सेवा से हटाना हो तो जानबूझ के बोलेगा, तो तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लेगा कि ये किससे चिढ़ता है, तो चिढ़ाएगा। हाँ क्यों, ऐसे भी लोग होते हैं, हमारे यहाँ भी एक दो लोग हैं ऐसे जिनको पता है किसका वीक पॉइंट क्या है, वो वही बोलेंगे जिससे चिढ़ जाए, वो होता है। और सेवक का दूसरा कर्तव्य क्या है? सेवक को मान और सम्मान की जहां भूख रहेगी वहां भी सेवा पूरी होने वाली। हाँ हनुमान जी को सम्मान भी मिला मंदिरों के मध्य में राम जी के साथ में, और लंका में अपमान भी बहुत मिला, लेकिन हनुमान जी अपमान से दुखी नहीं थे और सम्मान से बहुत सुखी नहीं थे। दोनों में राम जी की इच्छा को देख रहे थे। अपमान मिला तो भी राम जी का प्रसाद, और सम्मान मिला तो भी राम जी का प्रसाद। ये दो बातें हमको हनुमंत लाल जी से सीखना चाहिए। जैसे ये सूचना मिली भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा अब भाई विलंब किस बात का करना, एक महीने का ही समय हमारे पास, उसके पहले हमको सारा काम करना है, तुरंत आदेश दीजिए भालू बंदरों को मारा। तुरंत आदेश हुआ, भालू बंदरों के लिए कोई रथ वथ तो लाना नहीं था, वैसे चलते कूदते उनको जाना था, सब चल पड़े किष्किंधा से। महाराज पहुंच गए समुद्र के किनारे, वहीं पर भगवान श्री राम ने अपना स्थान जमा लिया। बंदर भालुओं को कहा जाओ अपना जंगल में, जितने फल फूल हैं कंद मूल फल है खाओ पियो, उसके बाद विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। रामावतार में बंदरों ने बहुत सेवा की भगवान श्री राम की, और भगवान श्री राम ने जंगल के फल फूल खिला के सेवा दी, वहां कोई व्यवस्था थी नहीं। इसलिए कृष्णावतार में भगवान श्री राम ने बंदरों से कोई काम नहीं लिया और बिना काम कराए खूब मक्खन खिलाया, अपने घर का भी खिलाया, दूसरों का चुरा के भी खिलाया। ये भगवान की कृतज्ञता है, वही बंदर। तो इसलिए बंदरों को छोड़ दिया, जाओ भाई खाओ पियो। बंदर लोग जंगल में फल फूल खाने लग गए। भगवान श्री राम सुग्रीव और महाराज जांबवान हनुमंत लाल जी अंगद नल्लील बड़े बड़े बांदरों के मध्य में बैठ के मंत्रणा करने लग गए, आगे क्या करना चाहिए। तब आगे भगवान श्री राम क्या करेंगे लंका के लिए, चढ़ाई के लिए, और वहां पर क्या होगा, ये अगले दो दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा आनंद आता है, आप लोग भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन हमको भी हनुमंत लाल जी की चर्चा करके बड़ा आनंद आता है। हनुमंत लाल जी का जीवन आदर्श जीवन, सेवा किसी को सीखनी है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए, भक्ति किसी को सीखना है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए, और ज्ञान की पराकाष्ठा कहीं देखनी है तो हनुमंत लाल जी का जीवन देखना चाहिए।
कर्म भक्ति और ज्ञान का इतना सुंदर समन्वय शायद किसी भक्त के जीवन में मिलता होगा जो हनुमान जी के जीवन में मिलता है। तो आज इतना ही, समय पूरा हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे आयोजक परिवार नेवर जी और सभी उनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, बोले रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री नर्मदा मैया की, नमः पार्वती पदये।